नेपाल। नेपाल का ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। इसकी राजधानी काठमांडू है। ये देश चाइना के दक्षिण में और इंडिया के उत्तर में पड़ता है। यहाँ की आबादी लगभग 2,91,00,000 है। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश है। इस देश में कभी भी इंडिपेंडेंस डे मनाया नहीं जाता, और बनाया भी कैसे जाए। ये देश कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है। दुनिया के सबसे ऊँचे पहाड़ हिमालय का ज़्यादातर हिस्सा नेपाल में पड़ता है, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में पड़ती है। आज हम आपको नेपाल यात्रा की ए टू जेड सारी जानकारी देंगे, जैसे नेपाल जाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने होंगे, नेपाल जाने के लिए आप कौन कौन से जगह से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, नेपाल कैसे पहुँचे वाया बस, ट्रेन, फ्लाइट या खुद की कार या बाइक, कैसे और कहाँ करें अपने इंडियन रुपी को नेपाली करेंसी में एक्सचेंज, क्या काम करेगा आपका एटीएम कार्ड और मोबाइल सिम नेपाल में। अगर आप नेपाल की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, आपको अपने सारे डाउट का सवाल मिल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है कि क्या नेपाल जाने के लिए हमको पासपोर्ट की ज़रूरत है। नहीं दोस्तों, नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट कंपलसरी नहीं है, पर आप अपना आईडी प्रूफ जैसे वोटर आईडी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड ज़रूर रखें। याद रखें, आधार कार्ड नेपाल में वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। नेपाल में एंटर करने के लिए आपको बॉर्डर क्रॉस करना होगा, जो कि आप कई तरीके से कई जगह से कर सकते हैं। सबसे बड़ा बॉर्डर क्रॉसिंग है सनौली बॉर्डर क्रॉसिंग, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है। आपको यहाँ से काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, वहाँ के लिए बस मिल जाएगी। इसके अलावा आपको पोखरा जाने के लिए भी बस मिल जाएगी। अगर आप बिहार और उसके आसपास से नेपाल जा रहे हैं तो आप रक्सौल से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। आपको यहां से भी काठमांडू और पोखरा के लिए बस मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेपाल पहुंचने के लिए क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। नेपाल आप ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से और अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। अगर आप नेपाल अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो गाड़ी की सारी डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें। बॉर्डर पर बने हुए नेपाल के कस्टम ऑफिस में आपको एक पास बनवाना होगा, जिसमें आपकी गाड़ी कितने दिन नेपाल में रहेगी उस पीरियड की कुछ फीस देनी होगी, और आप घूम पाएंगे नेपाल अपनी गाड़ी से। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नेपाल में वैलिड है। जी हाँ दोस्तों, आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस नेपाल में वैलिड है। अगर आप नेपाल फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली और कोलकाता से काठमांडू की फ़्लाइट मिल जाएगी, जो कि आपको 1.5 घंटे में काठमांडू पहुंचा देगी। दोस्तों, सबसे सस्ता और आसान तरीका है नेपाल बाय ट्रेन जाना। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अपनी जर्नी वाया रक्सौल या फिर जोगमनी या फिर गोरखपुर से प्लान करनी होगी। अगर आप वाया रक्सौल आ रहे हैं तो अपने शहर से रक्सौल की ट्रेन बुक कर लें, फिर रक्सौल से 50 से 100 रुपये में ऑटो या बस मिल जाएगी, जो आपको बीरगंज तक ले जाएगी, जो कि नेपाल में है। बीरगंज से रक्सौल की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है। दोस्तों, बीरगंज से काठमांडू की दूरी 135 किलोमीटर है। आपको बीरगंज से काठमांडू के लिए बस मिल जाएगी। इसको कवर करने के लिए आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे। इसके अलावा आप टाटा सुमो से भी जा सकते हैं, जो कि 500 से 700 रुपया पर पैसेंजर लेती है और 4 से 5 घंटे में आपको काठमांडू पहुंचा देगी। दोस्तों, अगर आप गोरखपुर से नेपाल वाया सनौली बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं तो अपने शहर से गोरखपुर की ट्रेन बुक कर लें। आगे गोरखपुर से आपको जाना होगा नौटनवा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन या बस मिलेगी, जो कि लगभग आपको 3 घंटे में नौटनवा पहुँचा देगी। फिर नौटनवा से वाया बस आप सनौली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। सनौली बॉर्डर से काठमांडू, जो कि 270 किलोमीटर है, यहाँ की एसी नॉन एसी बस हमेशा अवेलेबल रहती है। दोस्तों, ये तो हुआ नेपाल पहुँचने की बात। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट सवाल जो मन में आता है कि नेपाल में आप करेंसी कौन सी यूज़ करोगे। तो मैं आपको बता दूँ कि नेपाल में भारतीय रुपया भी चल जाते हैं, पर सिर्फ छोटे डिनोमिनेशन के नोट, जैसे कि 10, 20, 50 और 100।
इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते वक्त यहाँ पर बने हुए करेंसी एक्सचेंज शॉप पर भारतीय रुपये को एक्सचेंज कर नेपाली रुपये में कन्वर्ट करवा लें। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप एयरपोर्ट पर बनी हुई करेंसी एक्सचेंज शॉप पर ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय 100 रुपया की कीमत 160 रुपया नेपाली होती है, तो आप अपने बजट के हिसाब से पैसे कन्वर्ट करवा लें। अगर ट्रिप में कुछ नेपाली रुपया बच भी जाता है तो आप वापस आते वक्त उसी शॉप पर उसे रिटर्न कर इंडियन रुपीस ले लें। इस करेंसी कन्वर्सन का कुछ मिनिमम चार्ज लिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं नेपाल में इंडियन सिम कार्ड चलेगा या नहीं। नेपाल में अपना सिम कार्ड यूज़ करने के लिए आपको अपने ऑपरेटर से इंटरनेशनल रोमिंग प्लान एक्टिवेट करवानी होगी। ये इंटरनेशनल रोमिंग प्लान कुछ ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा आप बॉर्डर क्रॉस करते वक्त नेपाली टूरिस्ट सिम कार्ड भी ले सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 200 रुपये रहती है। दोस्तों, नेपाली टूरिस्ट सिम कार्ड लेने के लिए आपको अपना एक आईडी प्रूफ की कॉपी देनी होगी। दोस्तों, एक डाउट जो मन में हमेशा रहता है कि क्या आपका एटीएम कार्ड नेपाल में वर्क करेगा। आप जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपने ट्रिप में साथ ले जा रहे हैं, अपनी बैंक से पता कर ले कि क्या वो नेपाल में काम करेगा। नॉर्मली ऐसे सभी एटीएम नेपाल में वर्क करते हैं। दोस्तों, नेपाल ट्रिप से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी जगह नेपाल में घूम सकते हैं और आपका क्या बजट आ सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रैवल बजट, ऐसे ही ट्रैवलिंग बजट वीडियोज़ देखने के लिए।